अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हो, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हो। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आलू बॉयल किए हैं, इसकी टिक्कियां बनेंगी आलू की। और बड़े साइज़ के आलू थे, दो टुकड़ों में काटे और काफ़ी ज़्यादा थे माशाल्लाह। तो मैंने इसी तरह से पानी में से इनको निकाल लिया कि काफ़ी गर्म है वाटर, तो अभी थोड़ी देर रख दिया ताकि आलू थोड़े ठंडे हो जाएं। और मैं छिलके उतार कर नहीं बॉयल करती कि इनका रंग चेंज हो जाता है ना थोड़ी देर पड़े रहने से। तो जो आलू की टिक्कियों का मसाला था वो तैयार करके रखा। और ये वाइट पोटैटो हैं, मैं अमूमन न्यू पोटैटोज़ ही यूज़ करती हूँ आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए, लेकिन ये वाइट पोटैटो का पैकेट था तो मैंने ये सारे ही बॉयल कर दिए, क्योंकि टिक्कियाँ जो हैं ये काफ़ी शौक़ से बच्चे खाते हैं। और हैरानगी की बात ये होगी कि ये भी फजर की फरमाइश पर बन रही हैं। फजर को आलू की टिक्कियों के बर्गर काफ़ी पसंद हैं। और दूसरी तरफ मैंने सारे जो इसके लवाजमात हैं वो भी तैयार करके रखे हुए हैं। और आज मेरा जी चाह रहा था कि इसको बेसन के साथ बनाया जाए। अमूमन मैं अंडे के साथ डिप करके ही इसको बना लेती हूँ। और आपने देखा बड़ी सी कढ़ाई ली है, क्योंकि जब इस तरह टिक्कियाँ बनेंगी बेसन लगाकर तो इनको बार बार साइड इसकी पलटनी पड़ेगी, तो इस तरह कढ़ाई में एक जगह इकट्ठी सी हो गई हैं तो वो बड़े आराम से फ्राई हो जाएंगी। एक बैच टिक्कियों का निकल गया और दूसरा मैंने ऑयल में डाला है और इसको मैंने शेक कर दिया और जितने भी ऑयल में क्रम थे वो टिक्कियों के ऊपर चिपक गए। मैं बर्गर जो है वो बच्चे ही खाएंगे, मैंने इसी तरह सैलड के साथ और ये जो हरी चटनी थी वही चटनी मैंने योगर्ट में डाली है तो इसी के साथ मैंने खाई है। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, मामूली सी ही स्नैक लेकिन बहुत ही मज़े की बनती हैं। और ये देखें टिक्कियाँ काफ़ी ज़्यादा थी तो एक दिन सारी नहीं बनी, तो पहले दिन दोपहर के खाने में बर्गर के साथ हमने टिक्कियाँ खाई और दूसरे दिन वही टिक्कियाँ अंडे के साथ डिप करके मैंने फ्राई की और ये मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाया तो उसके साथ खाई। ये कुछ शॉपिंग मैंने आइकिया से की थी और ये फ्लोर मैट है जो कि मैंने किचन में चूल्हे के पास बिछाना है। और ये दो कलर में था, थोड़ा सा ग्रीन सा और थोड़ा सा ये मरून सा, तो मैं ये मरून सा लाई हूँ क्योंकि फ्लोर तो पहले ही ग्रीन सा है तो मैंने कहा थोड़ा चेंज कलर हो जाएगा। और ये कॉटन का है, जल्दी ही मैला हो जाएगा। और ये कुछ फूड बैग हैं आइकिया के, इस तरह फूड बैग काफ़ी अच्छे हैं। और ये वाले मुझे डिब्बे चाहिए थे, ये मैं लेकर आई हूँ, ये पहले भी लाई हुई हूँ मैं तो इनकी ज़रूरत रहती ही है। ये क्या है भला, जिन लोगों ने तो ख़रीदा है उन्हें पता होगा आइकिया से। ये की चेन भी है और ये एक्चुअली मोबाइल होल्डर है, टू वे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो है मामूली सी चीज़ लेकिन काफ़ी कारामत है एंड इट वाज ओनली 50p। और एक ये आफत उठा लाए आइकिया से, अभी जब ये मैं खोल रही हूँ उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या चीज़ है, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं इसके साथ खप चुकी हूँ। ये सॉल्ट एंड पेपर मिल है, मजाल है ये खुल जाए। कैसर से ये ब्लैक वाली खुल गई है और वाइट वाली जो है वो हमसे खुल नहीं रही है। बहुत से हमने तो यूट्यूब पर भी डालकर देख लिया कि कहीं कोई वीडियो इसकी मिल जाए, लेकिन ये हमसे नहीं खुली। अमूमन ईमान जो है वो ऐसे काम फटाफट कर लेती है। आजकल के बच्चे माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी पॉजिटिव वे उनका दिमाग काफ़ी चलता है। तो खैर ये अभी तक खुली नहीं है, अगर आप चाहें तो आई रेकमेंड के मत खरीदें। और ये एक छोटा सा कप है, ये पहले भी वहाँ था लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैं ये ले आई। और ये मैं लाई हूँ, एक प्लांट है, आर्टिफिशियल प्लांट ही है, इस तरह जो ड्रॉपिंग वे प्लांट होते हैं ये इस तरह ऊपर जैसे कपट है, वार्डरोब है, थोड़ी ऊंचाई पर शेल्फ है तो वहाँ रखे हुए बड़े ही प्यारे लगते हैं। इस तरह ड्रॉप पे डाउन जब आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और साथ इसके ये मैं पॉट भी लाई हूँ।
अच्छा, जो कैंडल मैंने देखी थी प्राइमार्क पर, वो B&M पर भी हैं, लेकिन आइकिया पर उस तरह की डिज़ाइनिंग की कोई भी कैंडल्स नहीं है। और ये कैंडल होल्डर है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इनकी वेबसाइट पर इसके ऊपर यहाँ पर ना ऐसे मून से भी बने हुए हैं, स्टार भी मून भी, तो वहाँ स्टोर पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसके ऊपर इस तरह से मून बने हों। और मैग्नेट डोर है इसका, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। कैंडल्स जो हैं वो मुझे सर्दियों में इस तरह घर में ऑन की हुई बहुत ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, जब हम इस तरह ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं, शोरबे वाला, या इस तरह कोफ्ते बनाने हैं, आलू गोश्त का सालन पकाना है, अभी सर्दियां आ रही हैं तो ऐसे ही सालन अच्छे लगते हैं। तो हम जब ग्रेवी हमें थोड़ी थिक चाहिए होती है, गाढ़ा सा शोरबा बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें टमाटर और प्याज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कोफ्ते जब पकाते हैं, ये मैं कोफ्ते का ही सालन पका रही हूँ, तो उसमें बेसन डलता है। एक तो वो बाइंडिंग के लिए डलता है ना, कोफ्ते को बाइंड करने में हेल्प होती है, जुड़ जाता है। दूसरा, जो कोफ्ते की ग्रेवी है उसको भी बेसन की वजह से वो थिक होती है। दो के कोफ्तों में योगर्ट भी डाला जाता है, बट योगर्ट इज़ नॉट इनफ इट्सेल्फ टू मेक द ग्रेवी थिक, तो उसके लिए हम इसमें बेसन डालते हैं, तो इसकी जो ग्रेवी है वो थिक होती है। आई थिंक टमाटर इसमें नहीं डाले जाते, मैंने कभी भी नहीं डाले हैं, लेकिन आलू शोरबे के सालन में, या जैसे आलू मटर का सालन हो गया, या काले चने हो गए, तो हम प्याज और टमाटर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो प्याज और टमाटर के बगैर अगर ग्रेवी को थिक करना हो तो क्या चीज़ डाली जाए, तो वो है बेसन। भुना हुआ बेसन ना सिर्फ कोफ्तों में ग्रेवी थिक करने के लिए डाल सकते हैं, चाहे आलू शोरबे के सालन में डालने, चाहे आलू मटर का सालन है, कोई भी सालन पका रहे हैं जो ग्रेवी वाला हो, इवन काले चनों का सालन, अगर कोफ्ते का जो ग्रेवी वाला सालन है वो बेसन से थिक हो सकता है, क्रीमी सी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी बन सकती है, तो बाकी सालन जो है ग्रेवी वाले वो भी बेसन डालने से थिक हो जाएंगे। और ये बात मैं सिर्फ यहाँ कह नहीं रही हूँ, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, कोफ्तों की दो तीन वीडियोस हैं जो मैंने डिफरेंट टाइम में बनाई हैं। ये आलू गोश्त का सालन है, इसमें भी आप देख सकते हैं मैंने बेसन डाला है, काले चने भी पकाए हैं उसमें भी मैंने बेसन डालकर पकाए हैं। तो कोई भी सालन जो, ये देखें आलू शोरबे का सालन है, इस तरह इतनी थिक ग्रेवी के लिए इसमें बहुत सारे टमाटर और बहुत सारा प्याज डालना पड़ेगा, तो ये थिक होगा। और ये देखें, ये भी कोफ्ते ही पक रहे हैं, लेकिन अभी कितनी गाढ़ी इसके मसाले की कंसिस्टेंसी है। अभी इसमें कोफ्ते डालने हैं, फिर इसमें जब शोरबे की क्वांटिटी रखनी है तो वो पानी की तरह पतली नहीं होगी। यहाँ पर देखें, अभी कोफ्ते जो हैं भुने गए हैं और आप मसाले की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, जब इसमें पानी डालना है तो उसकी अपने आप थिक कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और मैंने काले चने का सालन भी पकाया है, तो उसमें भी बेसन डाला था, और ये आप शोरबे की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। कोई भी सालन शोरबे वाला पकाना है, भुना हुआ बेसन उसमें डालना है, भुना हुआ बेसन अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी के आप कितना पका रहे हैं, आधा किलो के लिए 1 से 2 टेबल स्पून काफ़ी होगा। अच्छा जी, ये परफ्यूम है पेस्कल मोराबिटो, जो कि मैंने दी परफ्यूम शॉप से मंगवाया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम है, कितना लंबा सांस लिया मैंने। ये ऑफ़र पर था, मैं ऐसे ही इसकी वेबसाइट देख रही थी, तो मैंने कहा ये आई थिंक 35 से 9.99 का था, तो यहाँ इसकी आप अमेज़ोन पर, ये इसी मेक के बहुत से परफ्यूम हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसकी खुशबुएं हैं, और यहाँ इसकी अमेज़ोन पर भी प्राइस देख सकते हैं।
और यहाँ दूसरी तरफ दी परफ्यूम शॉप जहाँ से मैंने मंगवाया है, आई थिंक ये 35.99 का था और मैंने ये 9.99 का मंगवाया है। पहले मैंने एक परफ्यूम मंगवा कर देखा कि इसकी कैसी खुशबू है, तो मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने एक और मंगवाया। और ये है कैटेपेरी परफ्यूम जो कि रॉयल रेवोल्यूशन है, ब्लू कलर का है। बहुत अच्छी इसकी भी खुशबू है, माइल्ड सी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे ये अच्छी लगी है। और ये भी मैंने दी परफ्यूम शॉप से मंगवाया है और आई थिंक इसकी प्राइस जो है वो 10 या 12 पाउंड की थी। पहली दफ़ा मैंने मंगवाए हैं, जो ऑफ़र पर परफ्यूम थे वो मैंने एक एक पहले मंगवा कर देखा कि इनकी खुशबू कैसी है। एक चीज़ तो मंगवा कर देखी जा सकती है कि ना भी सही हो तो यूज़ हो ही जाता है कहीं ना कहीं। और ये इसकी जो बॉटल है इस तरह से है और ये ब्लू कलर का है, कैटेपेरी जो कि रॉयल रेवोल्यूशन है। और एक ऐसा ही रेड कलर का है, एज ए सेट के मैंने पहले एक मंगवाया तो मुझे उसकी खुशबू सही लगी, तो फिर मैंने ये दूसरा मंगवाया, ये भी कैटेपेरी है जो कि किलर क्वीन है। दोनों की खुशबू काफ़ी माइल्ड सी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वेदर के लिए सही है। मैं बहुत ज़्यादा परफ्यूम एकदम यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ये है कि पहले मैं जो हाई स्ट्रीट या हाई एंड परफ्यूम होते थे वो ही यूज़ करती थी। मुझे लगता था कि ये इस तरह के जो परफ्यूम हैं इनकी खुशबू शायद इतनी अच्छी ना हो। मैंने नेक्स्ट से परफ्यूम ख़रीदे थे तो उनकी खुशबू मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो फिर मैंने कहा क्या फ़ायदा इतने महंगे परफ्यूम ख़रीदने का, अभी ये पता नहीं कौन सा परफ्यूम छुपा कर बैठी है, तो ये जो शनेल है ये इसने छुपाए हुए हैं। साथ इसके टेस्टर भी भेजे हैं, जो कुछ लेडीज़ हैं कुछ जेंट्स हैं। अभी इन परफ्यूम की खुशबू मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। किसी भी चीज़ पर परफ्यूम लगा कर रखते हैं ना तो उसकी खुशबू जो है वो कुछ देर कुछ घंटों बाद जो है वो ज़्यादा अच्छे से उभर कर सामने आती है, वो एक तरह से ना रच बस जाती है, फिर सही पता चलता है किसकी कैसी खुशबू है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि अभी जैसे ये परफ्यूम है मैंने पहले एक मंगवाया तो उसकी खुशबू किसी पेपर पर लगा कर रखती तो बहुत अच्छी उसकी खुशबू जो है वो उसका जो इम्पैक्ट बहुत अच्छा आया, तो फिर मैंने बाकी भी और मंगवाए। मौसम जो है यहाँ काफ़ी बदल गया हुआ है, तो कुछ दिन से तो बारिश जो है वो रुक ही नहीं रही है, ठहर ठहर कर बारिश हो रही है, उस वजह से काफ़ी सर्दी हो गई है। और अभी ऑलमोस्ट आफ्टरनून ही है, दोपहर का ही वक्त है, लेकिन सुबह नाश्ता जो है वो तकरीबन मैं 7-7:15 बजे तक खा लेती हूँ, तो 11 बजे तक जो है वो भूख थोड़ी लग जाती है, तो मैं इस तरह कॉफ़ी जो है वो बनाकर और साथ ये चॉकलेट खाऊंगी। ये हम एयरपोर्ट से हमने ली थी, यहाँ से भी मिल जाती है। ये रेज़न और इसमें हेज़लनट हैं, इसमें चेरीज हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मेरे बच्चों को इस तरह ये पसंद नहीं होती, उन्हें प्लेन वाली ही अच्छी लगती है। और ये इतनी सारी चॉकलेट मैंने अकेली ने नहीं खानी है, कैसर भी अपने लिए कॉफ़ी बनाएंगे, उन्हें वैसी ही पसंद है, तो वो अभी बाहर से आना था तो फिर उन्होंने पीनी थी, तो मैंने कहा चलो मैं तो पीऊँ ना, तो चॉकलेट मैंने उनके लिए भी निकाल दी कि वो भी आकर खा लेंगे मेरे साथ चाय पियेंगे। तो यहाँ तक व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, एक थम्स अप बटन जल्दी से प्रेस करते हैं अगर अभी तक प्रेस नहीं किया, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए। एज आई सेट के सर्दी हो गई है और जैकेट और जुराबें पहन कर ही बैठा जाता है, ठंड जो है वो लगनी शुरू हो जाती है। ये जैकेट जो है ये आई थिंक लास्ट ईयर हमने ली थी, मुझे अब याद नहीं है कि ये या हमने H&M से ली थी, बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी, 10 या 12 पाउंड की थी और बहुत अच्छी है ये, लेकिन ये थोड़ी हैवी सी है, शोल्डर को ना पता चलता है, तो मुझे बहुत ऐसी चीज़ें जो शोल्डर पर थोड़ी हैवी लग रही हो ना वो मैं नहीं पहनती हूँ। तो अभी मैंने कहा मेरे जो जंपर हैं वो शायद मैंने अभी नहीं निकाले हैं,
तो सर्दी लग रही थी तो मैं यही पहनकर बैठ गई। बच्चे घर पर हों और कोई ना कोई शोर शराबा चलता ही रहता है, किसी ने कुछ कर दिया, कोई कुछ करना चाहता है, किसी ने कुछ किसी को कह दिया, कोई कुछ कहना चाहता है, तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं और कैसे अपनी जिम चले जाते हैं तो मैं होम अलोन होती हूँ और मुझसे वो 1-2 घंटे जो है वो गुजरते नहीं हैं। और मैं गर्मियों की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने भी जिम स्टार्ट करनी है। अब देखें वो दिन का सूरज कैसे निकलेगा जिस दिन मैं जिम जाऊँगी। अच्छा मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगी, लेकिन मुझसे ना जाया ही नहीं जाता। सर्दियों के पकवान भी फिर सर्दियों के जैसे ही होते हैं। गोभी गर्मियों में जितनी मर्जी पका लें लेकिन सर्दियों में ये ज़्यादा मज़े की लगती है। और मुझे ज़्यादातर गोभी गोश्त के साथ पसंद है। सादी भी सही है लेकिन चिकन के साथ अच्छी नहीं लगती, गोश्त के साथ मुझे पसंद है। और ईमान जो है वो बड़ी मेहरबानी कर रही है मुझ पर, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रही है। व्लॉग बस यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। जल्दी से थम्स अप बटन प्रेस कर दें अगर अभी तक नहीं किया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।